सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, ये मेरा डेंटिस्ट का प्लांट है और मैं इसे ही कटिंग से ग्रो करने जा रही हूँ। तो मैं ये बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरीके से डेंटिस्ट के प्लांट्स की कटिंग को लगाएं कि बहुत ही जल्दी और 100% मतलब वो सक्सेस हो जाए, कभी फेल ही नहीं होता है इस तरह से लगाया हुआ कटिंग। तो एक तो तरीका है कि आप 2.5 इंच का डेंटिस्ट प्लांट से एक कटिंग ले लें और उसको लगा लें। और दूसरा तरीका है जो बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस हो जाता है, वो है कि जिस प्लांट से आप डेंटिस्ट प्लांट्स को कटिंग ले रहे हैं उसको उसी पॉट में लगाएं। जैसे देख रहे हैं मैंने इसको लगा चुकी थी पहले ही और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। और कई बार मैं मतलब अक्सर मैं ऐसे ही प्लांट्स को डेंटिस्ट के प्लांट्स की कटिंग लगाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट्स वगैरह आ चुके हैं। तो इसके कटिंग्स जो डेंटिस्ट के जो ब्रांचेस होते हैं उसमें जो एक लंबी सी जिसकी देख लें कि जो हल्की लंबी हो उसको उसी पॉट के किनारे में ही जो मिट्टी है पॉट की उसमें जो ब्रांच है उसका जो आगे का भाग है कम से कम 1.5 इंच 2 इंच छोड़ करके और बीच का पोर्शन से 2 पत्तियां जो अगर हो वहां पर तो वो हटा दें और उसको उसी मिट्टी में जो है दबा दीजिए उसी पॉट में। और उसके जो जो मेन रूट्स है उसके जिस ब्रांच का वहां से रूट से उसको हटाना नहीं है, मतलब रूट से अलग नहीं करना, उसको उसी में रहने देना है। बस आपको आगे का भाग 1.5 इंच 2 इंच छोड़ करके उसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा करके हल्की से ही दबा करके थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी आप उस पर डाल दें और किसी चीज़ से अगर हो कोई भी पिन वगैरह उससे थोड़ा सा, जैसे मैं देख रहे हैं एक तार है मेरे पास, वायर है प्लास्टिक का ही, उसी को फोल्ड करके मैं उसके अंदर उसको दबा दे रही हूँ जिससे कि वो टहनी जो है ब्रांच वो ऊपर की ओर उठ ना जाए, मतलब निकल ना जाए। तो इसके लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप लगा दें और ऊपर से हल्की सी मिट्टी आप डाल दें तो वो रूट से भी ये ब्रांच जो है अपना पानी खाना लेता रहेगा और इसमें जो है वो रूट्स अंदर ही अंदर फिर डेवलप भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। और ये तरीका जो है आप किसी भी मौसम में आप इसको इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। बस अगर ये रूट्स डेवलप हो जाते हैं अच्छे से तो बस मई जून की जो बहुत तेज जब गर्मी हो तो उसमें ट्रांसप्लांट ना करें, उस समय इसको उसमें इसी में पॉट में छोड़ दें। जब रेनी सीजन स्प्रिंग सीजन आ जाएगा तब उसमें फिर आप निकाल करके इसको अलग से फिर हल्के से कट करके और फिर दूसरे छोटे से पॉट में आप लगा दीजिए तो इस तरह से एक नया पौधा आपको मिल जाएगा। मैं इसी तरह से डेंटिस्ट का करती हूँ और कभी भी ये जो है तरीका फेल नहीं होगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके। तो वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।